हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम पर्फ। मैं अर्चना एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। चलिए आज देखते हैं कैसे रशियन नोजल का इस्तेमाल व्हिपिंग क्रीम से होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ 7 इंच के केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और एक पेपर को राउंड शेप में कट लगा लिया है। इसे मैं सेट कर लूँगी। आज मैं 2 पाउंड का केक बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं केक प्रीमिक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और आज मेरी स्पॉन्ज कढ़ाई में बेक हो रही है, जिसे मैंने पहले से प्रीहीट करके रख लिया है। और 1.5 कप प्रीमिक्स को मैं 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 ड्रॉप्स ऑफ स्ट्रॉबेरी अरोमा के साथ तैयार करने वाली हूँ और 45 मिनट के लिए मैं इसे बेक करने वाली हूँ कढ़ाई में। यहाँ मैंने बेक कर लिया है और अपने केक स्पॉन्ज को 3 लेयर में कट कर लिया है। सिंपल वाटर के जगह आज मैं स्ट्रॉबेरी क्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ वाटर के साथ। हमेशा की तरह क्रीम अप्लाई करने के बाद मैं स्ट्रॉबेरी क्रश और ऊपर से कुछ चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ केक की टॉपिंग के लिए। साथ ही साथ किनारों को भी क्रम कोटिंग करते जाना है सो दैट हमारा केक का शेप बिगड़े नहीं। फ्रेंड्स, आप भी मेरे तरह घर बैठे केक बना सकते हैं। इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। और आज इस केक में जाने वाला है ढेर सारा चॉकलेट चिप्स, जो हमारे केक को बनाएगा और भी क्रंची। फाइनल लेयर को भी मैंने सोक कर लिया है और क्रीम से कोटिंग करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से कवर कर लिया है। किनारों को कॉम कर लेने के बाद मैं इसमें रशियन नोज़ल से फ्लावर बनाने वाली हूँ। यहाँ मैंने ट्यूलिप नोज़ल का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने सेंटर में कुछ ब्लू कलर की व्हिपिंग क्रीम भी डाली है। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला सा फ्लावर तैयार हो रहा है ना दोस्तों, आसान रशियन नोज़ल पे काम करना। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें घर पर। यहाँ मैंने हाफ पार्ट को कवर अप कर लिया है रशियन नोजल की हेल्प से। बाकी बचे हुए हिस्सों में मैं N1 नोजल से रोसेट तैयार कर लूंगी। फ्रेंड्स, अपने केक में हम जितना ज्यादा कलर का इस्तेमाल करते हैं उससे टेस्ट हमारा ज्यादा बिगड़ने की संभावना होती है, तो कोशिश करें कि लाइट कलर का ही तैयार करें और अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं। यहाँ मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। बची हुई क्रीम से ही मुझे किनारों में बॉर्डर तैयार करना है। है ना दोस्तों, रशियन नोजल पर काम करना आसान, तो आप भी मेरी तरह घर बैठे ट्राई करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सो दैट मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हो सकूं एक नई थीम केक के साथ। यहाँ मैंने एक सिंपल सा वी शेप का कट लगाया है पाइपिंग बैग में और ग्रीन कलर की व्हिपिंग क्रीम तैयार करके लिफ्ट तैयार कर रही हूँ। ये बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। ये मेरा लिफ तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट करके बताना ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए केक के साथ। तब तक के लिए बाय।